विलंब क्यों हुआ वो भी बता देते। विलंब इसलिए हुआ कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसने। हर चीज में एक तमाशा करना, कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है, नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबकी। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां, 75,000। वादा क्या किया था, अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। इस जून में मोदी जी के 4 मंत्री आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मोदी जी तो करते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे। आज क्या है जी, अक्टूबर खत्म हो रहा है, 6 से 7 महीने बचे हैं इस वादे में। आज मोदी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी, वो भी समय आगे बढ़ा दिया, धीरे धीरे 2025 तक ले जाएंगे बात को। नमस्कार दोस्तों, भार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली कामयाबी मिल गई। ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजा को ये मानना पड़ा कि राहुल गांधी जो कहते हैं, करोड़ों कांग्रेस जन जो कहते हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, मोदी जी पर ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे, तारीख बताइए, समय बताइए, दिन बताइए, किस तारीख तक वो 16 करोड़ रोजगार देश के नौजवानों को देंगे, किस तारीख तक 30 लाख नौकरियां जो भारत सरकार में खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी, 70,000 पद भरने का इवेंट बाजी से काम नहीं चलने वाला, इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, वो रोजगार कब मिलेंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर चलेंगे और हर रोज मोदी जी से सवाल पूछेंगे। धन्यवाद।